All right, let's start episode 6 part 3. My lady, आपने हमें कहा था कि आप मुझे टेनिस सिखाओगे, तो इसलिए मैं ड्रेस कोड पहनकर आ गई हूँ. एंड नाउ आप हमें छोड़कर इंग्लैंड वापस जा रहे हो, क्यों? अनिल कहती है, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती प्रीत, ग्रैंड प्रिंस की शेड्यूल है तो वो मुझे वहाँ देकर आएगी. प्रीत कहती है, बट इतनी जल्दी? आप नेक्स्ट वीक को ही जाने वाले हो, एटलीस्ट लेडी पिन की बर्थडे तक तो रुक जाते. जितने भी टाइट शेड्यूल है प्लीज़ आप इन्हें पोस्टपोन कर दीजिए. क्या आपको पता है जब लेडी पिन ने सुना कि आप नेक्स्ट वीक को जाने वाले हो तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है. अनिल के मुंह से जब वो सुनी थी कि वो इंग्लैंड जाने वाली है तब से लेकर लेडी पिन बहुत रो रहे थे, इतने कि उसके आंसू सूख नहीं रहे थे. लेडी पिन इतनी ज़्यादा रो रही थी कि आज लोटस पैलेस के बाहर बेहोश हो गई थी. लेडी पिन ना तो कुछ खा रहे थे और ना ही सो रहे थे. लेडी पिन की हालत बहुत ख़राब थी, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रही थी. अनिल जब पाइन पैलेस पर लेडी पिन के रूम में जाती है तो लेडी पिन की फेस इतनी सैड थी, अनिल उसे देख नहीं पा रहे थे. जब अनिल बीमार थी जैसे लेडी पिन ने उसकी केयर की थी, ठीक वैसे ही अनिल ने भी लेडी पिन की केयर की थी. प्रीक कहते हैं, लेडी पिन के लिए यह बहुत पेनफुल है, वो आपके लिए 5 सालों तक वेट की और अभी बस 3 महीने के बाद आप उन्हें छोड़कर जाओगे, तो उन्हें पेन तो होगा ना? अनिल कहती है, इस बार उन्हें उतनी वेट नहीं करनी होगी, वो बस 2 साल तक ही जाएगी. अनिल कहते हैं, अगर वो उसकी डेस्टिनी बदल सकती तो वो यहाँ से कभी नहीं जाती, वो यहीं पर रुकती प्रीक और लेडी पिन के साथ. अगले सीन में लेडी पिन को दिखा जाती है, वो डिनर टेबल पर बैठी हुई थी पर कुछ भी नहीं खा रही थी. वो अब आगे से थोड़ी बेटर है. अनिल डोर ओपन करके अंदर आती है. पीछे प्रीक एक प्लेट लाकर टेबल पर रखती है और वो वहाँ से चली जाती है. लेडी पिन जैसे ही अपने सामने अनिल को देखती है वो उसकी वेस्ट को होल्ड करते हुए उसे ग्रैब कर लेती है. अनिल भी जल्दी से लेडी पिन की फोरहेड पर अपने हाथ रखती है. लेडी पिन की वॉइस शेक कर रही थी, क्या सच में अनिल मुझे छोड़कर जाने वाली है? ये बात सुनकर अनिल के दिल पर बहुत चोट लगती है. वो रो पड़ती है पर जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, चलो चलो अब आपको ये खाना होगा, एंड ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाई है और अगर आप नहीं खाते हो ना तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी. लेडी पिन कहती है, ओके तो अनिल ही उसे खिला दे. कुछ टाइम बाद लेडी पिन अनिल से आस्क करती है, क्या उसकी सारी पैकेजिंग हो चुकी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या उसने कोई हॉट जैकेट लिया है, कॉज इस टाइम पे इंग्लैंड में बहुत ठंड होगी. अनिल कहती है, लेडी पिन आप मेरे बारे में बहुत सोचते हो. लेडी पिन उसे हक करती है, कॉज मैं तुम्हें लव करती हूँ अनिल और साथ में तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ. ये कहते ही वो अनिल के चिक्स पर एक बेबी की तरह बस किस कर रहे थे. अगले सीन में दोनों ही बेडरूम में होती है और लेडी पिन अनिल की लैप पर. अनिल ये देखकर स्माइल करती है, कॉज लेडी पिन एक शाई पर्सन है, फर्स्ट मूवमेंट वो कभी नहीं करती है. लेडी पिन उसे हंसते हुए देखकर कहती है, अनिल तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? अनिल कुछ कहे उससे पहले ही लेडी पिन उसे होल्ड करके उसके लिप पर किस करना स्टार्ट करती है. लेडी पिन अनिल के लिप को ऐसे लिख कर रही थी मानो एक किटन बाहुल पर दूध पी रही है और ऐसे ही वो उसे बहुत टाइम तक किस कर रहे थे. कुछ टाइम बाद अनिल धीरे से अपने हाथ उठाकर लेडी पिन की क्लॉथ को ओपन करने लगती है, बट तभी लेडी पिन उसके लिप पर बहुत ज़ोर से बाइट करती है जिससे अनिल स्टॉप हो जाती है. लेडी पिन उसे कहती है, नो आज रात आप कुछ नहीं करोगे. ये कहते ही वो अनिल की पूरी क्लॉथ ओपन करती है. आज वो कुछ ज़्यादा ही अनकंट्रोल थी. फिर दोनों एक दूसरे को किस करती है.
लेडी पेन उसकी पूरी बॉडी पर अपने बाइट के निशान छोड़ती है। ये काम पूरी कंप्लीट करने के बाद लेडी पेन अनिल की ओर देखती है और कहती है, नाउ मैं अनिल की पूरी बॉडी पर मार्क छोड़ रही हूँ, अब वो इंग्लैंड जाकर किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं कर सकती। ये कहते ही वो उसकी नोज को होल्ड करते हुए उसे टेस्ट करती है। तभी अनिल उसे अपनी ओर पुल करती है और कहते हैं, लेडी पेन मुझे गलत समझ रही है, आई जस्ट ओनली हैव लेडी पेन, मेरे पास और कोई भी नहीं है। फिर वो उसे हक करती है और उसके लिप्स पर किस करती है। अनिल धीरे से कहते हैं, क्या अब वो लेडी पेन की बॉडी पर बाइट मार्क छोड़ सकती है। ऐसे ही ये नाइट ख़त्म हो जाएगी और एपिसोड 6 भी। और रही बात रॉयल पेन की नोबल, तो यहाँ पर 3-4 स्पेशल चैप्टर है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। स्पेशल चैप्टर में एकदम बैक की स्टोरी है जहाँ फर्स्ट टाइम कुन पेन लोटस पैलेस आए थे। याद है जब रॉयल पेन के स्टार्टिंग में हमें दिखा रहे थे दो लिटिल किड, तो वही सीन स्पेशल चैप्टर में है। बाकी कुछ और है जो लेडी पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर तो यहाँ पर ही एपिसोड 6 एंड होती है। ओके देन सी यू सून एपिसोड 7। बाय बाय।